नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग सभी को। आज का अपना जो सेशन होगा, जिसके अंदर अपने बात करने वाले हैं, हिमाचल लाइनमैन का पेपर, क्वेश्चनों की संख्या 120 रहेगी और अपने क्वेश्चन करेंगे 60। पिक्चर क्लियर आ रही होगी? बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, अब थोड़ा सही आ रहा है मेरे को लग रहा है। तो सेशन को शेयर कर देते हैं, आप भी शेयर कर दीजिए, फिर अपने सेशन को आगे करेंगे। देखो, हिमाचल के जो भी स्टूडेंट है अपनी तैयारी को और परफेक्ट करना चाहते हैं, तो अपनी बुक है जिसका नाम है सुदर्शन चक्र। काफ़ी अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया गया है, बच्चों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है, और आप लोगों के लिए बेस्ट बुक रहेगी। चाहे आप लोग जो मैं पेपर के सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, आप लोग वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हो। बुक ऑर्डर करने के लिए आपको एक नंबर बता रहा हूँ मैं, उस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। पूरा एड्रेस भेजना पड़ेगा, ये जो नंबर अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कमेंट बॉक्स में, इस नंबर का। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ऐसी उपकरण जो होते हैं उनमें किसी भी प्रकार की क्षति ना हो, यानी कि कोई लॉस ना हो, तो उनमें किसको किस प्रकार उनको रेट किया जाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन 60 है तो क्वेश्चनों में स्पीड रखनी पड़ेगी, तो आप भी अपना आंसर जो होंगे वो जल्दी जल्दी देने का प्रयास करना, और जहाँ मेरे को लगेगा कि इस पॉइंट को आपने समझाना पड़ेगा तो वहाँ मैं समझाने का काम भी करूँगा, ठीक है? तो विनाश को ले, बिल्कुल गुड इवनिंग सभी को। तो पहले क्वेश्चन का जो अपना आंसर रहेगा वो रहेगा केवी, क्योंकि केवी जो होता है वो धारा और वोल्टेज का मल्टीप्लाई होता है, पावर फैक्टर पर इस पर डिपेंड नहीं करेगा, और पावर फैक्टर का मान कम ज़्यादा होगा तो आपका जो लॉस होना स्वाभाविक है। तो इस क्वेश्चन का भी रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि जब ज्वलनशील द्रवों के साथ आपको काम करना पड़ेगा तो आपको किस प्रकार के जूतों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ज्वलनशील द्रव का मतलब ये होगा कि ऐसा लिक्विड होगा जो फ्लेमेबल हो, जल सकता हो, तो वहाँ आप लोग किस प्रकार का यूज करेंगे। देखो, आपको डाउट अगर पड़ेगा तो इन दो में पड़ेगा कि रबड़ वाले करें या प्लास्टिक वाले करें, तो बता दीजिए यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर। जितने भी स्टूडेंट जो लाइव सेशन में हैं, जिन्होंने बुक परचेज कर रखी है, ज़रूर अपने नाम के साथ थम्स अप कर दीजिए, ठीक है? तो यहाँ आपका रबड़ वाला जो होगा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, तो रबड़ वाले यूज़ करेंगे, प्लास्टिक और जो लेदर इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि तीन प्रतिरोध और, ठीक है, एक 3 ओम का, एक 15 और एक 5 का समांतर में जोड़ दिया, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, परिणामी जो होगा वो क्या होगा। तो देखिए, आपको पता है कि इसमें सबसे छोटा जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना है, 3 ओम, ठीक है? तो आपका जो प्रतिरोध आएगा वो 3 ओम से कम आएगा। अब ऑप्शन में 3 ओम आपको नहीं दे रखा, ठीक है, इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5 ओम से कम। करने की जरूरत नहीं, इसको सेंस से करना पड़ेगा, क्योंकि जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो 3 ओम से कम होगी। ऑप्शन में 3 ओम से कम नहीं दे रखा किसी में भी, तो आप लोग क्या करेंगे, इस डी ऑप्शन पर जाएंगे। अगला क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से, कि सेमीकंडक्टर का ताप गुणांक पूछा गया है यहाँ से। देखो, एक अगर आपको कंडक्टर पूछे, अगर आपको इंसुलेटर पूछे और सेमीकंडक्टर पूछे, कंडक्टर का हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव होगा, इंसुलेटर का हमेशा ध्यान रखना नेगेटिव होगा, तो आपको सेमीकंडक्टर बिल्कुल बी आंसर आ चुका है यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन का, एनटीसी होगा बिल्कुल इस क्वेश्चन का, ठीक है, ताप गुणांक नेगेटिव होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि जो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। मैंने एक बात बोली अभी कि जिनके पास बुक्स है, सुदर्शन चक्र 2.0 या त्रिशूल जो भी है, तो आप लोग जरूर अपना थम्सअप कर दीजिए, और जो स्टूडेंट डेमो का चाहता है कि बुक कैसी है, डेमो देखना चाहता है, तो बुक काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ से देखिए, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होगा, कंडक्टेंस। तो बिल्कुल कंडक्टेंस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ससेप्टेंस किसका उल्टा होगा, देखो ये होगा अपना जेड का उल्टा होगा, और ससेप्टेंस जो होता है ये ध्यान रखना इसको बी कहा जाता है, और बी का उल्टा जो होता है वो ध्यान रखना क्या होगा, एक्स होगा, प्रतिघात का उल्टा होगा।
इम्पीडेंस ध्यान रखना एडमिटेंस का उल्टा होगा, यानी कि वाई का उल्टा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर रहेगा ए। अगला क्वेश्चन देखो कि 100 वाट और 40 वाट के लैंपों की वाटेज सामान है, 40 वाट के लैंप का प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि 40 वाट की तुलना करनी अपने को 100 वाट से, तुलना में कम होगा या ज़्यादा। अविनाश कोहली के पास बुक है, जितिन गुजर के पास भी है, बिल्कुल अच्छा सी आएगा। ध्यान रखना देखो, अगर वोल्टेज सेम है तो रेजिस्टेंस होगा वो पावर का क्या चलेगा, व्युत्क्रमानुपाती चलेगा। तो 40 वाट वाला जो लैंप होगा इसका रेजिस्टेंस होगा वो हाई होगा। जिद्दी गुजर का गलत है यहाँ पर, कम कैसे होगा रे, ज़्यादा होगा। विके सैनी का सही है, मुकेश का गलत है यहाँ पर, मैं इसका सही है। ठीक है, अगला देखिए। अगला है स्विच जो होगा उसका सर्किट के अंदर मेन काम क्या होता है, तो स्विच का आप लोग मुख्य काम बता दीजिए यहाँ से क्या होगा। ब्रेक द सर्किट, मेक द सर्किट, मेक एंड ब्रेक सर्किट। अरे जिसकी वाटेज क्षमता कम होगी उसका रेजिस्टेंस हाई होगा, करके देख लेना यार मेरे पास। तो ये दोनों काम ही करेगा, सर्किट को ऑन ऑफ करने का काम करेगा और ये सीरीज में लगेगा और ये कंट्रोलिंग युक्ति होती है। अगला देखिए सवाल, अगला दे रखे कि रिमोट कंट्रोल जो होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होता है उसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। रिमोट कंट्रोल ऑफ एन इलेक्ट्रिकल देखो आया है रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल का मतलब होगा कि कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा, ठीक है, या मैग्नेटिक स्विचिंग के द्वारा इसको कर सकते हो। इस क्वेश्चन का बी होगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक तार है जिसका व्यास ए दे रखा है, लंबाई एल दे रखी है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि आर बराबर जो होगा वो रो एल अपॉन में क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो यहाँ ये पी क्या दे रखा है, इसमें पी मेरे को समझ में नहीं है क्या दे दिया, ये पी रो है, सॉरी। ठीक है, तो ये पी रो है, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, मतलब क्वेश्चन उड़ाने वालों ने इसको रो लिखा होगा, टाइपिंग करने वाले ने इसको पी समझ लिया, जैसे मैंने देखो यहाँ से पी दिख रहा है, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सवाल दे रखा है कि यदि छोटे आकार का भू संपर्कन तार प्रयोग में लाया जाए तो क्या होगा, यानी कि अगर मान लीजिए फॉल्ट करंट ज़्यादा है और आपका रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट में करंट ज़्यादा है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, वो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो जो यूपी आरबी यूएनएल के एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बढ़िया मौका है, आप भी अच्छी तैयारी कीजिए। तो इस समय क्या होगा, अगर उसकी क्षमता कम होगी तो वो पिघल जाएगा। वीके सैनी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि जब किसी धारावाहक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है तो उस चालक को गतिमान करने वाला बल किस बात पर डिपेंड करेगा। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आपको ये डीसी मोटर के बारे में पूछ रहा है एक प्रकार से, कि उस पर जो बल लगेगा वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वो किस डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा द डायरेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर जो होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर डीसी मोटर का सिद्धांत आपने समझा होगा तो ये चीज़ आपको पता होगा, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सवाल ये दे रखे कि एक मैग्नेट जो होती है किसको अट्रैक्ट करने में एबल होती है, एबल का मतलब सक्षम होती है। सेशन को शेयर करो यार तुम लोग। क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या रहेगा। देखिए इसके अंदर सबसे पहले अगर मैं बात करूं
तो लोहा, एल्युमिनियम, पित्तल, लोहा, कोबाल्ट, स्टील, लोहा, कोबाल्ट, जिंक। देखो, ये जिंक को नहीं करता बाहर कर दीजिए, ये तांबे को नहीं करता बाहर कर दीजिए, एल्युमिनियम को नहीं करेगा, पित्तल को नहीं करेगा, आपका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि किसी परिपथ में चुंबकीय विभव को निम्न पद द्वारा मापा जा सकता है। तो मैग्नेटिक फोर्स आपसे पूछा गया है, मैग्नेटिक सर्किट के अंदर मैग्नेटिक पोटेंशियल जो होगा वो किस में मापेंगे। रोहित शर्मा का बिल्कुल सही है, कुलदीप का भी सही है, MMF होगा ये, और इसको चुंबकीय विभवांतर भी कहा जाता है। इसकी जो यूनिट होगी एम्पीयर टर्न, यह होती है गिलबर्ट। ठीक है, गिलबर्ट अगर आपसे पूछे तो MMF की यूनिट होगी। अगला सवाल है कि फ्लक्स घनत्व जो होता है, फ्लक्स डेंसिटी होगा, उसका यूनिट क्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी, हालांकि फ्लक्स डेंसिटी का एकमात्र का आपको पता होगा टेस्ला होगा। ठीक है, यहाँ अगर आपका आंसर आएगा, मेसराठी का सही है, आरती का भी सही है, यहाँ पर वीके प्रेमपाल का भी आंसर नहीं दिया। यहाँ पर न्यूमेरिकल बुक अगर आपको तैयारी करनी है तो ले सकते हो, पेपर का कुछ भरोसा नहीं कब क्या जाए, तो अगर परफेक्ट तैयारी करना चाहते हो तो ले सकते हो। तो वेबर प्रति मीटर स्केयर होगा, इसका फार्मूला जो होगा बी बराबर होगा फाइव अपॉन में ए होगा, और वेबर प्रति मीटर स्केयर इसको करोगे और ये किसके बराबर होगा, टेस्ला। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि फ्लक्स घनत्व की और यूनिट क्या होगी, तो एक होती है गॉस, एक होती है ओरेस्टेड, तो ये भी दोनों ध्यान रखना इसी की यूनिट रहेगी। अगला दे रखो, अगला देखो क्या दे रखे कि एक मोटर है उसकी ओवरलोड प्रोटेक्शन जो होती है वो किसके द्वारा दी जाती है। 15 का भी बिल्कुल ओवरलोड प्रोटेक्शन जो होगा वो आप लोग फ्यूज के द्वारा दे सकते हो। हालांकि अगर ओवरलोड कॉइल होता तो आपको ओवरलोड कॉइल करना पड़ता, मेन जो ओवरलोड कॉइल ही काम करती है, ऑप्शन में नहीं है, तो आपको इसी के हिसाब से आंसर करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पदार्थ है वो अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय का मतलब क्या होगा कि जिसके अंदर सप्लाई बनती है, सप्लाई दोगे तो चुंबक बन जाती है सप्लाई हटाने पर। गिलबर्ट किसकी यूनिट है, तो MMF की होती है। देखो लोहा जो होगा ये फेरो में आएगा, कांच आपका आता है डाया के अंदर, और ये भी फेरो के अंदर आएगा, आपका बचेगा एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जिद्दी गुजर का बिल्कुल गलत है। अगला देखिए सवाल ये दे रखे कि लेड एसिड सेल है उसका आंतरिक प्रतिरोध है वो कब बढ़ेगा। ठीक है, हालांकि इसके अंदर आपको एक थोड़ा सा चीज़ पता होना चाहिए कि लेड एसिड सेल को 1.8 वोल्ट के नीचे डिस्चार्ज नहीं करते। अगर विभाग ने इस क्वेश्चन का आंसर माना होगा तो शायद मेरे ख्याल से बी माना होगा, क्योंकि इसके नीचे डिस्चार्ज नहीं किया जाता उसको, और इसके नीचे अगर डिस्चार्ज करोगे तो एक तो उसमें बकलिंग सॉरी सल्फेशन दोष का बहुत ज़्यादा डर रहता है। इस वजह से आपको मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट ने या जो भी बोर्ड होगा उसका, अरे पैरा दे रखा हो क्वेश्चन, तो इससे क्वेश्चन सही पर पैरा दे रखा है, तो शायद मेरे ख्याल से बी माना होगा। तो इसको थोड़ा सा मैं मार्क कर देता हूँ, ये आप लोग आंसर की में चेक कर लेना, मेरे पास आंसर की नहीं है, मेरे ख्याल से बी होना चाहिए। हालांकि 1.5 नीचे जाएगा तो भी ये काम होगा। सवाल दे रखे कि ऐसे चुंबकीय पदार्थ का चयन कीजिए जिसमें शुतुल्य हानि को न्यूनतम किया जा सकता है। शुतुल्य हानि आपको पता होगा इस तरीके से होता है, ये BH वक्र होगा। ठीक है, और ये जितना पतला होगा जितना कम होगा उतना ये क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर आएगा सी, जिसका शौथिल्य गुणांक यानी कि जो स्टेरिसिस हानियाँ जो होती है उसके अंदर आप लोग पढ़ते हो। ठीक है, तो ये जो आप लोग देखोगे ये इसका सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल दे रखा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कैपेसिटर इज ओनली सुटेबल डायरेक्ट वोल्टेज, यानी कि डीसी वोल्टेज पर कौन सा काम करेगा। डीसी वोल्टेज पर कौन सा संधारित्र, आशीष गहलोत का आंसर आ चुका है, तो ध्रुवित एल्यूमिनियम होगा, और इसका जो सिंबल होगा वो इस तरीके होगा, प्लस माइनस लिखा होता है, और ये केवल डीसी पर होगा, इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला सवाल इसके अंदर दे रखा है कि जया वक्रीय जो तरंग जो होती है, साइनोसोडियल जो फॉर्म होती है, उसका फॉर्म फैक्टर क्या होगा।
बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसका राइट आंसर होगा। और अगर पीक फैक्टर पूछा जाता तो रूट दो होता। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, किसी विशुद्ध प्रतिरोध परिपथ का शक्ति गुणक क्या होगा, प्योर रजिस्टिव सर्किट है तो उसका पावर फैक्टर क्या होगा। तो यहाँ इसका पावर फैक्टर होगा वो कितना आएगा, 1। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल दे रखे कि किसी एसी परिपथ में किलोवाट की तुलना में केवीआर का निम्नतम मान सूचित करता है। ठीक है, अगर केवीआर का मान कम है तो उसके अंदर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन है, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। शक्ति गुणक इकाई है, उच्च शक्ति गुणक है या दक्षता निम्न है। देखो एक चीज सोच के देखो कि जो रिएक्टिव पावर कम है आपको, इसका मतलब क्या है रिएक्टिव पावर, और रिएक्टिव पावर को एल या सी रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब रिएक्टिव पावर कम है तो उसका शक्ति गुणक क्या होगा, हाई। तो जिन्होंने भी हाई किया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और अगर आपको पूछ लेता कि केवीआर की पावर 0 है तो उस समय पावर फैक्टर 1 होता। अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल दिया गया कि 2 हेनरी की चौक है और 50 100 हर्ट्ज की सप्लाई पर काम कर रही है, तो उस समय उसका प्रतिबाधा जो होगी वो आपको बताना है क्या होगा। तो कैलकुलेट करके देखिए कितना आएगा। तो करने का तरीका देखिए, कुंडली की जो प्रतिबाधा होगी वो 2πfL होती है, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है 100 और 2 × इसका मान रखेंगे 6.28 इंटू में फिर गिरेंगे आप लोग फ्रीक्वेंसी कितनी है 100, एल की वैल्यू है 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 400, 400 को 6 से गुणा कर देंगे तो 6 × 24 कितना आ जाएगा, देखो 6 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12 24। इसको करके देखते हैं, तो ये 2512 आएगा, लमसम 2512 आएगा। 2 हेनरी है, 2πfL होगा, तो यहाँ मेरे को लगता है ये गलत दे दिया शायद। आप लोगों का कितना आ रहा है चेक करके बताओ अभी। मेरे को लगता है ऑप्शन गलत है इसके। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना, 1256 आ रहा है, तो यार 1256 कैसे आ जाएगा, 2πfL होगा, 2 × आएगा 6.28, इसको 100 से गुणा करेंगे फ्रिक्वेंसी तो पॉइंट हट जाएगा, तो इसको गुणा करें तो 1256 तो यहीं आ गया, इस L की वैल्यू भी तो 2 है, ये गलत है शायद इसका, मेरे ख्याल से इसका आंसर सही नहीं है। 2512 आएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ऑप्शन है। ठीक है, 2512 आएगा, कैलकुलेशन करके देखो 1256 कैसे आ जाएगा, ओह सॉरी 3.14 लेना था, सॉरी 3.14 होगा। ठीक है, 1256 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगला देखिए, 3 संधारित्र है जिसकी प्रत्येक की धारिता 100 μF है और श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, तो श्रेणी क्रम के अंदर अगर मैं बात करूँ तो C/N के फार्मूला यूज करेंगे, वैल्यू 100 है, संख्या 3 है, तो 33 वाला आंसर होगा, डी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सवाल अगला दिया है कि कोई परिपथ है जिसमें किलोवाट और केवीए का जो अनुपात होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा। एक चीज़ मैं बता दूं कि जो अभी हिमाचल के अंदर वैकेंसी आई है और उनके शायद 5 से 6 एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो अगर पहली एग्ज़ाम हो जाता है तो दूसरे स्टूडेंट इसका एग्ज़ाम पेपर ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे। तो केवीए और किलोवाट ये पावर फैक्टर होगा, वास्तविक और आभासी शक्ति का रेशियो होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल दे रखा है कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी कि FET के बारे में बात हो रही है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी तरह काम करता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो ये दोनों तो ऑप्शन में गए, ये भी गए, एक स्थिर वोल्टेज सोर्स के रूप में काम करेगा, ये भी गलत है, वोल्टेज सोर्स के रूप में काम नहीं करता, सॉरी, तो ये करंट सोर्स के रूप में काम करता है, यार ये मेरे को लगता है करंट गलत दे रखा है,
कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स नहीं होता, ये करंट सोर्स होता है, तो ये ऑप्शन में नहीं दे रखा। और ये करंट कंट्रोल वोल्टेज कंट्रोल जरूर होता है, तो कंट्रोल अगर करते हो तो इसका राइट आंसर बी होगा, वरना वेरिएबल कैपेसिटर भी गलत है, इंडक्टेंस भी गलत है, और रजिस्टर के रूम में भी ये काम नहीं करता। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ चलो अपने इस अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसके ऊपर भी विचार करेंगे। तो ये गलत है यहाँ पर इसका आंसर, वोल्टेज कंट्रोल इसका राइट आंसर होना चाहिए था, ऑप्शन में नहीं दे रखा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है डिलीट किया गया, किसे भी किया गया। अगला देखिए सवाल दे रखा है कि IGFET जो होता है वो क्या है, IGFET के बारे में आपसे पूछा गया, किस नियम का पालन करता है। IGBT के बारे में बता दीजिए, किस प्रकार की डिवाइस। अच्छा प्रश्न है ये भी, तो यहाँ सुमित भारद्वाज का बिल्कुल हाफ पायर डिवाइस इसको कहा जाता है, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखिए सवाल अगला दे रखा है कि किसी तीन फेज के द्वारा जो पावर जो होता है वो किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ी स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो पावर का जो फार्मूला होगा वो √3 VLIL cos φ होगा, ये वास्तविक पावर होगी, और 3 VP IP भी आप लोग कर सकते हो, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर आपको डेल्टा देता तो डेल्टा में ध्यान रखना लाइन और वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होती है, तो यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है √3 के आगे, यहाँ VP भी दे सकता था और यहाँ IL, और ऑप्शन के अंदर एक ऐसा आंसर डाल सकता था कि इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग इनमें से कोई नहीं करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये दोनों आपस में बराबर होती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला देखिए अगला सवाल इम्पोर्टेंट है कि कोई भी जो शुष्क सेल होता है उसमें डीपोलराइजर यानी कि विद्युत ध्रुवण दोष का काम कौन करता है। तो हाइड्रोजन गैस जब बाहर निकलती है तो उसके चारों ओर एक अचालक परत बन जाती है, तो ये होता है अपना ध्रुवण दोष होगा, और इस दोष को दूर करने के लिए अपने मैग्नीज डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। ये काम क्या करता है कि जो हाइड्रोजन गैस होती है इसके साथ में काम क्या करेगा, क्रिया करके उसको क्या करेगा, जल में जो होगा वो चेंज कर देता है, तो इतना इतना भाग क्या बन जाएगा, पानी। सवाल दे रखा है कि कंड्यूट फिक्स करने के लिए गुट्टी की अपेक्षा रॉल प्लग का उपयोग प्रायिकता से बड़ा हुआ है, क्यों। तो देखो सवाल में दे रखा है कि अगर आपको कंड्यूट पाइप को फिक्स करना है तो गुट्टी जो होती है उसकी जगह आप लोग रॉल प्लग का इस्तेमाल करते हो, ज़्यादा करते हो, उसके पीछे कारण क्या है। ईंट चिनाई की दीवार में, पत्थर की दीवार में, कास्ट विभाजन में, या सभी के अंदर। मतलब रावल प्लग का इस्तेमाल पूछे, तो रावल प्लग का इस्तेमाल जो होता है जो RCC वगैरह जो होती है जहाँ अपने इस्तेमाल करते हैं, जहाँ दूसरी चीज़ नहीं काम करती, होल नहीं बन सकता, तो यहाँ इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखो काफ़ी बढ़िया प्रश्न दे रखे कि विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांजिस्टर कैन बी यूज इन एनहांसमेंट मोड। देखो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आपने दो मोड पढ़े होंगे, एक ई मोड होता है, एक होता है डी मोड। ठीक है, तो दो मोड आपसे पूछा गया किस में होंगे, तो मुन्ना का आंसर आया बी, 30 का तो बी चलो सही है, 31 का बताइए, पालीवाल का सही है, जिद्दी नेहा शर्मा का भी सही आंसर सही है। तो ये मोसफेट होगा, दो प्रकार का होगा, एक ई मोसफेट होगा और एक डी मोसफेट होगा। ठीक है, तो सी होगा, और ये वोल्टेज कंट्रोल है करंट सोर्स डिवाइस से। सवाल दे रखा है विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांजिस्टर आर इफेक्ट बाय स्टैटिक एनर्जी। तो अच्छा प्रश्न है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मोस्फेट आया आंसर बिल्कुल, किसी ने बी दिए, और कुलदीप वर्मा का बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मोस्फेट, तो मोस्फेट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए सवाल दे रखा है कि जो साइज ऑफ अर्थ कंडक्टर और ग्राउंड वायर इज द बेस्ट वन, यानी कि ग्राउंड वायर जो होगा उसका साइज किस बात पर डिपेंड करेगा।
सवाल दे रखा है कि मिट्टी के प्रकार पर करेगा या मैक्सिमम फॉल्टेड करंट। मैक्सिमम फॉल्टेड करंट तो बिल्कुल सही है। देखो सर्विस, ये बात बिल्कुल सही है इसकी, मृदा के प्रतिरोध पर डिपेंड करेगा। मृदा के प्रतिरोध तो इसका शायद नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से। डिपेंडेंट ऑन द सॉइल रेजिस्टेंस, तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा मेरे ख्याल से, अगर ए और सी करते हैं तो मृदा के प्रतिरोध पर, तो तार मोटा छोटा शायद हो सकता है मेरे ख्याल से। इस क्वेश्चन का आंसर फिर डी करना पड़ेगा, डी हो सकता है, कंफर्म पूरा नहीं हूँ, क्योंकि मृदा के ऊपर चट्टानी भूमि होगी या होगी वहाँ अपने। चलो इसका चेक करना पड़ेगा। अगला देखिए, सवाल दे रखा है कि निम्न में से किसमें नेगेटिव अभिलक्षणा नहीं होती। सवाल गलत दे दिया शायद। नेगेटिव रेजिस्टेंस डज नॉट की जगह हो डज हैव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अफिटी एस या रियोजिटी ट्रैक केवल एक युक्ति ऐसी है जिसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत है, सही कर लेना। नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब होगा कि ऐसा क्षेत्र जहाँ आप लोग वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो धारा का मान घटेगा, और ऐसा कई चीज़ों में पाया जाता है। एक तो यूजेटी में होगा, एक टनल डायोड में होगा, एक गन डायोड में होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ठीक है। और यहाँ यूजेटी आएगा, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है कि मानव शरीर जो होगा उसका एवरेज प्रतिरोध कितना होगा। देखो यहाँ हालांकि सूखी गिल्ली का अलग होता है, लेकिन कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको एक चीज़ पर जरूर जाना है कि एवरेज वैल्यू अगर कभी भी पूछे, हालांकि पूरी बॉडी के अंदर एक से दूसरे पॉइंट तक जाओगे तो अलग होगा। जैसे दो हाथों के बीच में लमसम 400 ओम होता है, कान के बीच का अगर मैं बात करूँ तो ये 1000 ओम के बीच में होता है, तो यहाँ आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1000 ओम। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा। और सूखी अवस्था के अंदर 1 लाख से 6 लाख होता है, और यहाँ की अवस्था नहीं दे रखी। अगला सवाल भी इम्पोर्टेंट है, विच ऑफ द फ्लोइंग लैम्प्स इज कॉमनली यूज्ड इन सिनेमा प्रोजेक्टर। तो सिनेमा प्रोजेक्टर जो होगा उसमें किस प्रकार के लैम्प का इस्तेमाल करते हैं। फ्लड लाइट का इस्तेमाल करेंगे पहली बात, और सेमी इनडायरेक्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा इसका अंदर अपने यूज़ करेंगे आर्क लैम्प का ठीक है। तो इस क्वेश्चन का डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला दे रखे कि उच्च आवृत्ति पर जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी कोर किस की बनी होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखना, देखो अगर आवृत्ति कम है तो आप लोग सिलिकॉन स्टील बोलेंगे, मध्यम अगर दे रखे तो फेराइट बोलेंगे, अगर आपको उच्च दे रखा है तो आपको एक यूज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ आपको यूज़ करेंगे एयर कोर ठीक है। और एयर कोर ट्रांजिस्टर का सिंबल अगर आपसे पूछे तो ऐसा होगा बीच में, आप लोग यहाँ जो है ठीक है यहाँ कोर नहीं दिखाएंगे, तो आप लोगों का जो आंसर होगा वो 37 नंबर क्वेश्चन का वायु कोर होगा। सवाल अगला दे रखा है कि ट्रांसफार्मर में लो हानि का मापन करेंगे। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इकाई शक्ति गुणक वाले से करोगे या लो पावर फैक्टर मीटर से करोगे। सी और डी को बाहर निकाल दीजिए। देखो लो हानि करेंगे ओपन सर्किट पर, मतलब लोड नहीं है। ट्रांसफार्मर का जो पावर फैक्टर होगा वो लोड पर डिपेंड करेगा, इसका मतलब ट्रांसफार्मर का केवल सेकेंडरी का पावर फैक्टर अपने मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ओपन सर्किट है। प्राइमरी का जो ओपन सर्किट के अंदर जो पावर फैक्टर होगा वो 0.30 के आसपास होता है, 30-35 के आसपास होगा, मतलब पावर फैक्टर आपका कम है। और वैल्यू अगर शुद्ध चाहिए तो आपको उसी प्रकार का पावर फैक्टर मीटर चाहिए, तो लो पावर फैक्टर मीटर का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। छत्तीस नंबर क्वेश्चन का कार्बन आर्क लैंप होगा सिनेमा प्रोजेक्टर के अंदर, क्योंकि उसकी लाइट जो होती है एक दिशा में जाती है। सवाल अगर दे रखे है, सवाल अगला दे रखे है कि इन ट्रांजिस्टर हाईली डोप्ड पार्ट क्या होगा, पार्ट क्या होगा, यानी कि ट्रांजिस्टर में सबसे ज़्यादा डोपिंग किस वाले भाग में की जाती है। तो डोपिंग का क्रम अगर मैं बता दूँ तो ये होता है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा डोपिंग इमिटर में होगी, और सबसे कम अगर पूछी जाती तो बेस होती, और मध्यम अगर डोपिंग पूछता ये होता, मॉडरेट होता, लाइट बोलते इसको हैवी बोलते हैं। तो आपका ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बिल्कुल लिमिट रहेगा। सवाल अगर दे रखे है कि किसी पावर ट्रांजिस्टर की एफिशिएंसी कितनी होती है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी, हालांकि सिंपल है। तो आपको पता होगा कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 95 से 99% होती है, और जो सबसे ज़्यादा होती है रीज़न इसका ये है कि इसमें घर्षण हानियाँ नहीं होती। अगर सवाल ये पूछा जाता है कि इंडक्शन मोटर की तुलना में
ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो कारण क्या है? तो कारण ये है कि इसमें जो फ्रिक्शन लॉस होता है वो नहीं होता। सी इस क्वेश्चन का आएगा, बिल्कुल सुमित का सही है यहाँ पर, जिद्दी गुजर का भी सही। अगला देखिए, सवाल दे रखा कि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पूछे हैं जर्मेनियम के अंदर। देखो जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 32 होगा, इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो दो अंश करके फार्मूले से भरेंगे, पहली कक्षा में 2, फिर 8, फिर 18 और लास्ट में बचेंगे 4। जो आपकी अंतिम कक्षा होगी वही इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? शोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और शोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कोई भी सेमी कंडक्टर हो, चाहे कार्बन हो, चाहे जर्मेनियम हो, चाहे सिलिकॉन, सब में कितनी होती है? 4। तो इस क्वेश्चन का 4 रहेगा। बिल्कुल टिंकू गुजर ने, बिल्कुल टिंकू जिया ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है। कोमल का सही है, जिद्दी का भी सही है, केशव सैनी का भी सही। अगला देखिए, सवाल अगला दे रखा है कि एन प्रकार का अर्धचालक आपको तैयार करना है, तो किस तत्व की शुद्धि का प्रयोग करेंगे? देखो एन अगर है तो आपका ये डोनर इम्प्योरिटी होगी, पहली बात तो ध्यान रखेंगे। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो ये एन है तो एन से स्टार्ट कर देना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। आप लोग यहाँ से देख लीजिए इसमें क्या चीज़ है, तो इसमें जो चीज़ है वो आर्सेनिक है, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। न्यूटन का सही है, निन्ना का भी बिल्कुल सही है, पालीवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, गुंजन का भी सही है, टिक्काराम का बिल्कुल सही है, संजय का भी सही है, आरती का भी सही है, कुलदीप बिल्कुल सही है, टिंकू जिया बिल्कुल सही है। अगला देखिए, अगला दे रखे कि जो रेडियो रिसीवर जो होता है वहाँ किस प्रकार का डायोड होता है? विच टाइप ऑफ डायोड यूज इन रेडियो रिसीवर? तो यहाँ ध्यान रखना जो डायोड यूज करेंगे, बिल्कुल आंसर यहाँ तो इसके अंदर ट्यूनिंग डायोड होता है या वरेक्टर डायोड होगा जिसको वेरिकेप डायोड भी कहते हैं, तो यहाँ अपने यूज करेंगे, बता दीजिए कौन सा यूज करेंगे। सेशन को लाइक शेयर भी करते रहिए। तो वरेक्टर डायोड का मैंने भी आपको बताया था कि वरेक्टर डायोड को यूज करेंगे, तो आप लोग ध्यान रखना यहाँ जो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे वो करेंगे बी। सवाल अगला दे रखे कि पूर्ण तरंग दृष्टि कार्य के साथ किस प्रकार के फिल्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है? देखो यहां से तो सारे को किया जा सकते हैं, लेकिन क्या माना इसका, मेरे को नया आइडिया लग रहा है थोड़ा सा। Which type can be used? यहाँ अगर सवाल ये पूछा जाता है किसका यूज नहीं करते तो आप लोग डी कर सकते थे। ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर देखो, ये सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर सिग्नल डायोड होगा, सॉरी स्विचिंग डायोड नहीं होगा, सिग्नल डायोड बोलते हैं, ठीक है सिग्नल डायोड होगा। बिल्कुल राजीव चौधरी ने बिल्कुल सही बात बताई है, फुल वेव का है आपका। देखो अगर ये पूछता है कि इसमें किसके साथ यूज नहीं करते तो आप लोग डी कर सकते थे, बाकी सारे कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन में डाउट है तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ। सवाल अगला देखो, सवाल दे रखा है कि विच ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ हाई पावर ट्रांजिस्टर, हाई पावर का जो ट्रांजिस्टर होगा। देखो ट्रांजिस्टर अगर मैं बात करूँ, एक तो होता है लो वाटेज जिसकी क्षमता 2 वाट तक होती है, मीडियम की 2 से 10 वाट होगी, और 10 वाट से ज़्यादा जो यूज करेंगे वो करेंगे अपने हाई पावर। तो माइक्रोफोन हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, यहाँ जो आप लोग जो यूज़ करते हो वो लो पावर का होगा, लेकिन लाउड स्पीकर के अंदर आपको ध्यान रखना हाई पावर का यूज़ करेंगे। और जो हाई पावर की होगी इनकी जो पैकिंग होती है वो ध्यान रखना मेटल की करते हैं, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें, 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सवाल दे रखे कि डिजिटल जो सर्किट में किस प्रकार की ट्रांजिस्टर, देखो ये प्रश्न है, ये प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, जिनके पास बुक है अपनी उस बुक के अंदर ये देखना, उसमें हिंदी में मैंने लिखा है अंकीय परिपथ, बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया है। 4 प्रकार की बाइसिंग होती है, सेल्फ बाइसिंग, सेल्फ बाइसिंग अगर पूछ ले तो आपको ध्यान रखना इमीटर बाइसिंग को कहा जाता है, वोल्टेज डिवाइडर को यूनिवर्सल बाइसिंग कहा जाता है, ठीक है, और ये दोनों एक ही चीज़ है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखो क्या होगा, 46 का आंसर गलत आ रहा है, कोमल दाइमा का बिल्कुल यहाँ आंसर सही है, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो बेस बाइसिंग जो होती है
या उसको फिक्स बाइसिंग भी कहा जाता है। इस बाइसिंग का यूज जो आप लोग करते हो डिजिटल या अंकीय परिपथों में करते हो। इसके अलावा अगर सवाल ये पूछा जाता है कि ट्रांजिस्टर के किस मोड का इस्तेमाल डिजिटल सर्किट में करते हैं, तो डिजिटल जीरो रेक पर काम करेगा और यहाँ करेगा सेचुरेटेड मोड और यहाँ करेगा इन्वर्टेड मोड या कट ऑफ मोड, सॉरी कट ऑफ मोड आएगा। तो इन दो मोड का अपने जो यूज़ करेंगे कहाँ करेंगे, डिजिटल सर्किट में करेंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल था, इम्पोर्टेंट सवाल भी बोल सकते हो, अच्छा सवाल भी बोल सकते हो। सवाल अगला दे रखा है कि जो ब्रॉडकास्ट कास्ट ट्रांसमीटर जो होते हैं उसमें किस प्रकार के ऑसिलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑसिलेटर की अगर मैं बात करूं तो ये डीसी जो होता है उसको एसी में चेंज करने का काम करते हैं। तो यहां से आपको बताना है कि ब्रॉडकास्ट जो होगा ठीक है, ब्रॉडकास्ट जो ट्रांसमीटर होते हैं वहां इसका यूज किस में करते हैं। तो हार्टले का करोगे आप लोग या कोलपिट का करोगे ठीक है, और ये सारे आरसी कोलपिट क्रिस्टल क्रिस्टल इलेक्ट्रो अगर मैं बात करूं तो ये पीजो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट पर काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से इसका जो आंसर जो होगा कि यहाँ क्वार्ट्ज का इस्तेमाल किया जाता है और इस समय ये क्रिस्टल आपका राइट आंसर होगा, तो बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। पिक्चर तो देखो साफ ही चल रही है। और आरसी के अंदर ध्यान रखना एक जो होगा वो आरसी सर्किट 60 डिग्री का देता है। अगला सवाल देखो, अच्छा क्वेश्चन है, यूजीटी का इस्तेमाल आपसे पूछा गया, यूजीटी का एप्लीकेशन आपसे पूछा गया। तो फिल्टर के अंदर करेंगे, पावर के अंदर करेंगे, साइनोसोडियल या रिलैक्सेशन। तो यूजेटी दे दे, टनल डायोड दे दे, गन डायोड दे दे, इन सारों का यूज एक में करते हैं। वो ध्यान रखना कौन सी चीज़ होती है, वो होता है अपना ऑसिलेटर होगा, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर होगा, और इसको आरीधन जनरेटर जो होता है उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है नेगेटिव रेजिस्टेंस के कारण। सवाल दे रखा है कि जो एफईटी जो होगा इसका दूसरा नाम क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो सवाल दे रखा है करंट कंट्रोल, ये करंट कंट्रोल नहीं होता, ये वोल्टेज कंट्रोल होगा, ये ऑप्शन में गया। पावर कंट्रोल भी नहीं होता। अब आपको देना है बाईपोलर होगा या यूनिपोलर। अच्छा सवाल है यहाँ पर, लेकिन आशीष गहलोत का आंसर आ चुका है यूनिपोलर होगा, क्योंकि या तो एन चैनल होगा या पी चैनल होगा, एन में इलेक्ट्रॉन होगा और पी में होल्स होते हैं। सवाल दे रखा है कि जीटीओ का मतलब क्या है, जीटीओ का मतलब बता दीजिए। तो जीटीओ का नाम से ही पता चल रहा है, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर होगा। तो आपका बी आंसर आएगा, बी मैंने सही किया, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, सवाल है कि द मटेरियल यूज इन सोलर सेल एज पॉजिटिव आउटपुट टर्मिनल इज, मतलब यह कि सोलर सेल में धनात्मक आउटपुट छोर के रूप में किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा सवाल है, SSJEE टेट समझाने, जो भी चीज़ आपको पूछनी है मैं नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप लोग मैसेज करना ठीक है। तो यहाँ आपका जो होगा निकल प्लेट वाला होगा, आपका 51 नंबर क्वेश्चन का ए इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है, निकल होगा। अगला सवाल है कि ग्रीन कलर की जो एलईडी जो होगी उसकी फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। रिवर्स 8 वोल्ट होता है ध्यान रखना, फॉरवर्ड का आपसे पूछा गया। तो पहली चीज़ तो आपको यहाँ से देखो, सवाल ये दे रखा है ग्रीन, तो लाल, नारंगी, पीला, हरा और नीला, ये सीक्वेंस रट लेना आप लोग। इसकी जो होगी वो ध्यान रखना 1.8 होता है, फिर 2 होगा, फिर 2.1 होगा, फिर यहाँ का 2.2,
और जो नीला जो होगा उसका 3 होगा। तो आप लोगों का आंसर जो आ रहा है हरा, हरा जो होगा ग्रीन, ग्रीन का मतलब हरा होगा। तो यहाँ आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका, यहाँ से आएगा वो 2.2 आएगा। इस क्वेश्चन का बी राइट, सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल काफी अच्छा सवाल है। सवाल में ये दे रखे हैं कि पूर्व प्रधाय बाइनरी कोडेड दशमलव कोड क्या है, द प्री डोमिनेटेड बाइनरी कोडेड डेसिमल, बीसीडी जो होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल का कोड क्या है। जिद्दी गुजर ने दे दिया, ये क्या दिया रे तूने, अरे तूने क्या कोड लिखा है। देखो मैंने आपको तरीका बताया था कि कोई भी नंबर है उसको डेसिमल में चेंज करना है तो 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे जाएगा। तो यहाँ आपका जो आंसर होगा वो आएगा डी, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर आपको ऑक्टल में पूछ लेता तो ये 3 बिट की संख्या होती है, ध्यान रखना। और अगर ये हेक्साडेसिमल के अंदर पूछ लेता तो ये 4 बिट की संख्या होगी, लेकिन डेसिमल का कोई निर्धारण नहीं कर सकते, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शन में 4 अंक है तो आपने 8, 4, 2, 1 करेंगे। सवाल दे रखा है कि डीसी शंट मोटर है उसमें आर्मेचर धारा कैसे ज्ञात करोगे। रोए जी ट्रिक बताइएगा तो नहीं, ठीक है। देखो आर्मेचर धारा ध्यान रखना, वोल्टेज बड़ी होगी बैक में, तो आपका ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डीसी शंट हो चाहे कोई भी मोटर हो, नीचे केवल आर्मेचर का ही आएगा। अगर ये सीरीज मोटर होती तो यहाँ सीरीज वाइंडिंग का भी प्रतिरोध प्लस कर देते। सवाल दे रखा है कि जो परमिटिविटी जो होती है वो आपसे पूछा गया है, फ्री स्पेस, विद्युतशीलता, ध्यान रखना कोई भी कुचालक पदार्थ होगा वो कितना आवेश स्टोर कर सकता है, उसकी ये जो क्षमता जो होती है विद्युतशीलता कहलाती है। तो यहां से बताइए, तो आपको पता है कि 8.85 × 10^-12 फेरेड प्रति मीटर होगा, और -12 अगर आपको नहीं दिया तो आप लोग पिको फेरेड प्रति मीटर भी लिखा सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़िया पेपर पर्सन बनाया है, बाकी पेपर की तुलना में इस पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा दिया है। बाकी जो पेपर अपने ने सोल्यूशन किए थे उन वो पेपर हल्के थे थोड़े। सवाल दे रखा है कि एक डीसी जनरेटर है सिंप्लेक्स लेप वाउंड आर्मेचर लगा है, तो उसमें इसका फार्मूला क्या होगा। हिमाचल प्रदेश से कौन कौन स्टूडेंट अभी सेशन को लाइव देख रहे हैं, क्योंकि ये हिमाचल वालों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो अलग ही सभी के लिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो ई बराबर होगा 5ZNP60A, ठीक है। हालांकि ये दोनों ऑप्शन में नहीं आने चाहिए थे, बराबर थे इस वजह से। सवाल दे रखे कि एक इंडक्शन मोटर है उसका रोटर किस तरीके से चलता है, सिंक्रोनस स्पीड पर चलेगा, सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा पर चलेगा या कम पर चलेगा। ध्यान रखना ये सिंक्रोनस गति से कम पर चलेगा, यानी कि जो NS होगा वो बड़ा होगा, NR जो होगा वो होगा छोटा। इसलिए ध्यान रखना अगर आपसे पूछ ले कि कोई भी इंडक्शन मोटर है, ठीक है, अगर वो मोटरिंग मोड में काम करेगी तो उस कंडीशन के अंदर उसकी स्लिप क्या होगी, तो स्लिप पॉजिटिव होती है, क्योंकि NS बड़ा होगा, NR क्या होगा छोटा। सवाल अगला दे रखा है कि एक स्टार डेल्टा स्टार्टर इंडक्शन मोटर के अंदर वो क्या होगा। तो पहली बात तो ध्यान रखना स्टार्टर का यूज करेंगे 20 HP तक करते हैं। इसके अंदर मोटर पहले स्टार में कनेक्ट होगी फिर डेल्टा के अंदर, और स्टार में जब कनेक्ट होगी तो वोल्टेज होगी लाइन वोल्टेज का 57.8%, यानी कि लगभग 58% जो होगा वो आर्मेचर स्टेटर वाइंडिंग को जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर आपका ए राइट आंसर होगा। केवल 2 क्वेश्चन और करेंगे, बाकी क्वेश्चन अगले सेशन में करेंगे। सवाल दिया गया है कि किसी एकल कला मोटर का जो अपकेंद्रीय स्विच होगा वो क्या होता है, क्या करता है। डिसकनेक्ट ऑक्सिलरी वाइंडिंग को करेगा, डिसकनेक्ट करेगा, रिकनेक्ट। देखो ये नीचे वाले 2 ऑप्शन बाहर कर दो, ए और बी में आंसर दीजिए। हिमाचल प्रदेश का ग्रुप बना हुआ है, मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ, वहाँ से आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो।
आप लोग ये ग्रुप्स का मैंने लिंक भेज दिया, आप लोग इस लिंक को कॉपी करके किसी कोचिंग राजस्थान में, तो ये काम क्या करेगा, ऑक्सिलरी वाइंडिंग होगा उसको डिस्कनेक्ट करेगा और उसके सीरीज में लगता है, और ये लमसम 70 से 75% जो स्पीड होगी उसके बाद ये इसको खोल देता वाइंडिंग को। ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है, ये भी आपको बुक्स में अंदर सेम टू सेम सवाल दिया गया कि कोई रिपल्सन मोटर प्रतिकर्षण मोटर उसमें अधिकतम टॉर्क कब विकसित होगा, जब बता दीजिए। अच्छा प्रश्न है, अगर ये सिंक्रोनस मोटर होता तो इसका आंसर होता 90, ये मैं आपको बता देता हूँ, पावर का पूछता वहां पे कोचिंग राजस्थान गंगानगर में, और इस नंबर पर कोई भी स्टूडेंट बुक को परचेज करना चाहता है तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, और आज के सेशन को अपने इस क्वेश्चन के साथ एंड करेंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है सी, बिल्कुल जिनका 45 है बिल्कुल सही है, और जिनका 45 नहीं है उनका गलत है। तो ये आज का क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, करेंगे इस सेशन को अगले सेशन में, स्टार्टर का मेन काम क्या होगा। तो इस सेशन को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, कोई क्वेश्चन का आंसर अगर है तो आप लोग उसको भी कमेंट कर सकते हो, लेकिन कुछ नया सीखने को मिलेगा हर पेपर जब भी आप करोगे। और जिन स्टूडेंट ने बुक्स को पढ़ी है जरूर अपने राय दीजिए बुक्स के बारे में, क्योंकि मेरा ये सपना है कि आप लोगों तक ये बुक प्रोवाइड हो, हर स्टूडेंट के पास ये बुक हो, और अच्छा मटेरियल आप लोग पढ़ें, अच्छी चीज़ें सीखने को मिले, भले ही आप लोग जॉब करें या ना करें, लेकिन जॉब करने का उद्देश्य है तो आप लोग जरूर नॉलेज को गेन करें, नॉलेज हमेशा हर जगह काम आता है। तो ये अपना आज का लास्ट सेशन था, जिनको बुक अच्छी लगी जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो ये अपना आज का सेशन था, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।